नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम टीवी की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर संगम तट पर श्रद्धालुओं को सैलाब उमड़ पड़ा। इस कड़ाके की ठंड में ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान कर तिल और गुड़ का दान कर रहे हैं। मकर संक्रांति के स्नान पर्व के लिए माघ मेला क्षेत्र में 14 घाट बनाए गए हैं। 50 मोटर वोट और 100 नावों से घाटों की निगरानी हो रही है। वहीं कानपुर में भी गंगा तट पर इस पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। साथ ही सीएम योगी ने भी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पर्व की बधाई दी है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर से है, दूसरी वाराणसी से, तीसरी प्रयागराज से। आप देख सकते हैं बड़े ही धूमधाम से लोग मकर संक्रांति का पर्व मनाते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे कानपुर से। उपेंद्र, मकर संक्रांति का पर्व लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते नजर आ रहे हैं, आप कानपुर में मौजूद हैं, कैसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं? घाट बने हुए हैं जो कि स्नान घाट है। लगभग देखा जाए बिखू से लेकर के अगर देखा जाए तो सुभाष लेकर के उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं थोड़ी घाट करेगा खोल जो देखा जाए इधर घाट है उसको लेकर जो है साफ सुरक्षा व्यवस्था की सघन पूरी तैयारी कर तैयारी कर ली है। और वही देखा जाए तो अगर सब घाटों की तुलना की जाए तो लगभग देखा जाए तो 5 से 10 लाख श्रद्धालु जो है वो स्नान करेंगे मकर संक्रांति में आ रहे हैं। उपेंद्र, श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? उपेंद्र, देखा जाए तो एक तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, दूसरी तरफ कोविड का खतरा बना हुआ है, तो क्या कोविड के लिए भी कोई प्रोटोकॉल जारी किया गया है? उपेंद्र, आपको आवाज आ रही हमारी? जी मैम, जी। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो एक तरफ ठंड का कहर है, दूसरी तरफ कोविड का भी खतरा है, तो क्या कोई प्रोटोकॉल जारी किया गया है कोविड को लेकर? जी, अगर देखा जाए कोविड के बाद प्रोटोकॉल तो है ही है। देखा स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है लगातार देखा तो जितने घाट स्थित है उसमें स्वास्थ्य विभाग की अस्थायी टीम कैंप बनाया गया है। इसमें देखा जाए किसी बारे जो स्नान श्रद्धालु जो स्नान करेंगे उनको लेकर कहीं ना कहीं जो है जो फास्ट के लिए देखा जाए फास्ट ट्रीटमेंट के लिए उनके लिए जो स्ट्रोक या हार्ट के पेशेंट होते हैं उनसे डॉक्टर की टीम जो है हर घाट पर उपलब्ध है। जी धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस कड़ाके की ठंड में भी लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तीन तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कानपुर से है, दूसरी तस्वीर वाराणसी से और तीसरी तस्वीर प्रयागराज से है। वाराणसी का नजारा आप देख सकते हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। घाट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े ही धूमधाम से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। पूरे प्रदेश वासियों को बधाई दी है मकर संक्रांति की। प्रयागराज का भी नजारा आप देख सकते हैं। और हमारे संवाददाता अजीत पाठक चंदौली से हमसे जुड़ेंगे। अजीत, मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, आप चंदौली में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आ रही है? हम आपको बता दें कि
दिन गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई है। हालांकि आपको बता दें कि कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु गंगा घाट में ब्रह्म मुहूर्त में डुबकियां लगा रहे हैं और दान पुण्य भी कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन की माने तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है और नाव गोता खोद भी लगाए गए जगह जगह, क्योंकि दिक्कत न हो सके आगे के हर प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। और वही पुलिस डीएम ईशा धोन के निर्देश पर पूरा सख्त व्यवस्था की गई है गंगा घाटों पर। जी अजीत, श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी हम आपको बता दें कि सुबह से ही श्रद्धालुओं में भोर से ही गंगा घाट पर जा रहे हैं और लाइन लगाकर बारी बारी से गंगा घाटों के और डुबकी लगा रहे और गरीब को दान पुण्य कर रहे हैं। और इस दान पुण्य से होता क्या है कि मतलब कि जितने भी पाप रहते कट जाते हैं, और इस मकर संक्रांति के दिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ लोग खिचड़ी का भी पर्व माना जाता है, खिचड़ी भी लोग मनाते हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। जी धन्यवाद अजीत तमाम जानकारियों के लिए। बता दें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, इस कड़ाके की ठंड में भी लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान कर तिल और गुड़ का दान कर रहे हैं। मकर संक्रांति के स्नान पर्व के लिए माघ मेला क्षेत्र में 14 घाट बनाए गए हैं। 50 मोटर वोट और 100 नावों से घाटों की निगरानी हो रही है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता पवन पटेल प्रयागराज में मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। पवन, मकर संक्रांति का पर्व लोग बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं, आप प्रयागराज में मौजूद हैं, क्या कुछ वहां की नई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल मयूरी, संगम नगरी प्रयागराज के लिए कहा जाता है कि जितना एक यूरोपीय देश की जनसंख्या है उससे ज्यादा लोग एक दिन में संगम में स्नान करते हैं। हालांकि बीते 6 जनवरी से प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आज मकर संक्रांति का दूसरा स्नान पर्व है। वैसे तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन बीते 2 वर्षों से मकर संक्रांति 14 और 15 तारीख को हो रही है। तो बीते कल की बात की जाए तो करीब 10 लाख लोगों ने गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और आज 15 जनवरी को लाखों लोग सुबह से ही प्रयागराज में संगम स्नान कर रहे हैं। और जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखा रही है कि क्यों कहा जाता है कि जितना एक यूरोपीय देश की जनसंख्या उससे ज्यादा लोग संगम में स्नान करते हैं। तस्वीरें देख के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज को धर्म और अध्यात्म की नगरी क्यों कही जाती है, क्योंकि बीते कल से ही प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा है और लाखों लोग गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जहां घाट पे जल पुलिस है, वही महिलाओं के कपड़ा बदलने के लिए महिला पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की गई है। अन्य स्थानों की बात की जाए तो एटीएस कमांडो के साथ पुलिस की टीमें जो है वो लगातार मौजूद है। ऐसे में कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। जी मयूरी, पवन देखा जाए तो कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? चूंकि कहा जाता है कि मौसम पे आस्था कहीं भारी नजर आती है और प्रयागराज की तस्वीरें देख के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मौसम पर आस्था भारी है। जिस तरीके से बीते कई दिनों से अगर नए साल की बात की जाए तो नए साल से लगातार जो है वो सर्द मौसम ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था, लेकिन जिस तरीके से बीते 2-3 दिनों से मौसम में बदलाव हुआ है, ऐसे में हालांकि जो लोगों की भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज सुबह से जब लगातार सर्द हवाओं ने प्रयागराज में डेरा डाला है, ऐसे में भी लोगों को संगम की ओर आने से यह मौसम नहीं रोक सका है और अभी भी अगर बात की जाए तो मौजूदा समय में लाखों लोग गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि मौसम पर आस्था कहीं ना कहीं भारी है और तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि क्यों मौसम पर आस्था भारी है। तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मौसम है, हालांकि हल्की सी जब धूप खिल रही है तो लोगों की जो भीड़ है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, तो मौसम कहीं भी लोगों को रोक नहीं पा रहा है और लगातार जो लोगों का आगमन है, श्रद्धालुओं का आगमन है, वो प्रयागराज के संगम तट पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। जी मयूरी, जी पवन, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है लाखों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा के कैसे बेहतरीन इंतजाम देखे जा रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? चूंकि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, मैंने बताया कि एटीएस कमांडो सहित पुलिस के जवान लगाए गए हैं,
घाटों पर जल पुलिस लगाए गए हैं और जहां पे महिलाओं के कपड़ा बदलने की व्यवस्था की गई है वहां पे महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। तो श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो उनके आने जाने के रास्तों के लिए वहां पे पूरी बैरिकेडिंग की गई है, जल पुलिस लगाए गए हैं और घाटों पे भी पूरे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लोगों को गहरे पानी में जाने से रोका जा रहा है और पहली बार देखा जा रहा है कि मेला में पुलिस मित्र लगाए गए हैं और जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी मेले में कार्य कर रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, आने जाने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी का अभी तक सामना करना नहीं पड़ा है और मेला प्रशासन लगातार इस मेले को पूरी तरीके से स्वच्छ तरीके से साफ तरीके से संपन्न कराने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि यूपी सरकार की ये जो एक देखी जाती है कि कहा जाता है कि धर्म और अध्यात्म की नगरी में किस तरीके से व्यवस्था है वो साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही है। जी मयूरी जी, धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस